NIT students who were protesting at Jantar Mantar today have clearly said that either they be shifted to some other colleges or the campus be shifted out, or else security is provided to them on campus. में जो रहने वाले लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन लोगों की ये मांगे हैं कि सबसे पहले तो NIT को वहाँ से शिफ्ट किया जाए, और अगर किसी कारणवश NIT को वहाँ से शिफ्ट नहीं किया जा सकता है तो वहाँ पे जो नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन लोगों को वहाँ से दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे NITs में माइग्रेट किया जाए। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो उनको ये आश्वासन दीजिए कि वहाँ पे अगर वो वापस जाते हैं, जैसा अभी नोटिस आया है कि 25 तारीख से उनको फिर से ज्वाइन करना है, क्लासेस रेगुलर होने वाली हैं, तो उनको ये आश्वासन दिया जाए कि वो लोग वहाँ जब पहुँचते हैं तो उनकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार लेगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो सरकार उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार है। सोचो जब हमारे टीचर्स खुद आके हमको धमकी दे रहे हो, यहाँ तक कि अभी कुछ बंदे जब यहाँ पे आ गए हैं तो टीचर्स जिनके पास फोन नंबर हुआ यहाँ तक आके दे रहे हैं कि बेटे दिन समान नहीं रहते, कभी ना कभी तुमको हमारे चंगुल में आना है। सीधे जब टीचर्स इस तरह से धमकी दे सकते हैं तो हम किस एसओएस पे NIT श्रीनगर वापस जाएं। Powered by NNIS.